नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु संभल। आज हम निकले हैं हल्द्वानी की सड़कों पर क्योंकि जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, गर्मी ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी को लेकर उनको क्या कहना है और किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और गर्मी से बचाव के लिए वो लोग क्या क्या समाधान अपना रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्शा स्टैंड है। हम लोग यहाँ पर 5 मिनट में खड़े हैं और हमारा गर्मी से बुरा हाल हो गया है। तो ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इन सड़कों पर गुजारते हैं। तो आइए जानते हैं इनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और गर्मी से बचाव करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हरि गुप्ता। कितनी गर्मी पड़ रही है, इससे पहले देखी ऐसी गर्मी? नहीं, कभी नहीं। बहुत गर्मी हो रहा है। तो काम पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी आ रही है? बहुत धूप है, सवारी वारी भी नहीं मिल रहा है। सवारी नहीं मिल रहा? ना, खाली धूप में खड़े रहते हैं। तो धूप से बचने के लिए क्या बचाव कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या बचाव करना है, गरीब आदमी को बचाव क्या होता है? बचाव के लिए अमीर आदमी है। अच्छा। गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो पानी वाली लेके नहीं निकले घर से? पानी वानी सब लिए है, चौराहे में भी पानी लगा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कितना असर पड़ रहा है काम पे? अरे काम तो बहुत असर पड़ रहा है, देख नहीं रहे पसीना से कैसे हैं। तो सवारी का क्या है, सवारी मिल रही है? सवारी बहुत नहीं मिल रही है, देख रहे धूप में चलने जा रही है, टुक टुक पर सारी बैठ रहे हैं। हाँ, तो मतलब दिन की कितनी मिल जा रही है आजकल, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है? 200-250 हो जाता है बहुत इस टाइम। जाड़ों में ज़्यादा मिलती है? हाँ, जाड़ों में ज़्यादा मिलती है, कि तो बैठती है ना जाड़ा में, सही रहता है। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे हम लोग प्यास का क्या है, गरीब आदमी है, रोड पर तो है ही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सुबह सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 8 बजे आते हैं। और शाम तक? 8-9 बजे तक जब हो जाता है। 9 बजे तक? हाँ। मेरा नाम मोहन है। तो कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ी, इस टाइम 40 से ऊपर ही चल रहा है मामला, ये 45 डिग्री तक चल रहा है। इससे पहले देखी कभी गर्मी इतनी? इतनी गर्मी नहीं देखी सर हमने, हम तो ऐसे काम करते हैं लेकिन जो है इतनी गर्मी देखी नहीं पहले कभी। काम में कुछ असर पड़ रहा है? काम में बहुत फर्क पड़ा है, पब्लिक नहीं आएगी बाहर तो काम कैसे होगा। हाँ, मैं तो शाम को अपना जो अभी करना है खर्च अपना चला रही है हिसाब किताब, कुछ टाइम लॉकडाउन हम आ रहा और लॉकडाउन के हिसाब से अब क्या करना है, क्या कहते हैं वो, जो हमारी रिकवरी है नहीं हो पा रही है तो ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा नाम सुमन बिष्ट है। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, तो इससे पहले आपने कभी देखी ऐसी गर्मी? नहीं, इसमें पहली बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है हल्द्वानी में। तो क्या कर रहे हैं बचाव के लिए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? छाता का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सबसे बात ये है। और मतलब अपने लिए पानी रख रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज पानी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो दिन जैसे जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है वैसे देख सकते हैं कि मार्केट में भी कम लोग निकलना पसंद कर रहे हैं। शाम के समय ज़्यादा लोग निकलना पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निशा सैफी। फलक नाज। अभी स्कूल से आ रहे हो? जी। तो कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या करते हो बचाव के लिए, गर्मी से बचने के लिए? अम्ब्रेला यूज करते हैं एंड पानी का प्रयोग ज़्यादा होता है गर्मी में। पानी लेके जाते हो? जी। अच्छा, तो आज अम्ब्रेला नहीं लेके गए? नहीं, आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था ना, इस वजह से। ठीक है। तो इस वक्त हम आ पहुँचे हैं जूस की दुकान पे, जहाँ पर लोग इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए जूस का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बैठिए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता कुंवर है, मैं अभी नैनीताल में रहती हूँ और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि पिछले साल की बजाय इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी जूस से थोड़ा ठंडक मिल रही है और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी मिल रहा है। तो गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं मतलब? भैया मैं तो पूरा दुपट्टे से कवर करती हूँ अपने आप को, और यह है कि जहाँ पे जूस वाला मिलता है सबसे पहले जूस ही पीते हैं और उसके बाद फिर तो मार्केट आने जाने में कुछ दिक्कतें? हाँ भैया, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब बाहर ही ना निकले। शाम के टाइम में मतलब थोड़ा सा राहत मिलती है और सुबह से दिन में 12 बजे तक तो ऐसा हाल हो जाता है कि पूछे मत, कि मतलब बाहर दिन में निकलना कम हो गया होगा। दिन में निकलते ही नहीं, भीड़ ही कम है, बस शाम के टाइम में या फिर सुबह अपना काम कर लेते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद थे हल्द्वानी की मार्केट पर, जहाँ पे हमने लोगों से जाना कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो लोगों का क्या कहना है। तो मैं हूँ आपके साथ हिमांशु संभल और मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ मौजूद है निशा उप्रेती। धन्यवाद।